नमस्कार, कैसे हैं आप सब? अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आज 13 नवंबर सोमवार को अमावस्या का दिन है। आज कार्तिक महीने की सोमवती अमावस्या है। आज के दिन कई महासिद्धि योग बन रहे हैं। आज का दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। आज सोमवार होने के कारण यह दिन भगवान शिव को भी समर्पित है। तो आज आपको एक नहीं बल्कि कई देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज की शाम को एक दीपक का महाउपाय आपके जीवन की समस्त बाधाएं, दुख, तकलीफ और कष्ट हमेशा के लिए मिटा देगा। अगर आपके घर में अशांति बनी हुई है, लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में सुख समृद्धि नहीं है, कार्य में बरकत नहीं है, आपका काम अचानक बनते बनते बिगड़ जाता है, तो आपको कार्तिक अमावस्या की शाम को यह महा उपाय अचूक करना है। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाएंगी। ऐसा माना जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी बड़ा लाभकारी होता है और यह उपाय माता को प्रसन्न करके व्यक्ति के सभी कष्ट, दुख, तकलीफ समाप्त कर देता है। यह उपाय बहुत ही सटीक, महत्वपूर्ण और लाभदायक है। यह छोटा सा उपाय आपको हर कार्य में सफलता दिलाएगा। यह इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, घर में बरकत होगी, कार्य में आने वाली सारी अड़चन दूर हो जाएगी, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। आज सिद्धि योग बन रहा है जिस पर आपको रात के समय यह उपाय अचूक करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको आटे का दीपक लेना है। इस उपाय के लिए आपको मिट्टी का दीपक भूल कर भी नहीं लेना है। आटे का दीपक बनाते समय ध्यान रखें कि आटा नमक का ना हो। आपको 5 आटे के दीपक बनाने हैं जिसमें आपको लंबी बत्ती रखकर घी डालकर दीपक को प्रज्वलित करना है। सबसे पहला दीपक आपको शिव जी के मंदिर की चौखट पर रखना है और भगवान भोलेनाथ से अपने सभी दुख, कष्ट, तकलीफ खत्म करने के लिए प्रार्थना करनी है और वापस अपने घर आ जाना है। दूसरा दीपक आपको अपने घर के तुलसी के पौधे के निकट रखकर प्रार्थना करनी है। तुलसी के पौधे में समाहित माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण से अपने समस्त दुख तकलीफ दूर करने की प्रार्थना करनी है। तीसरा दीपक आपको अपने घर के परिंडे में रखना है। ऐसा कहा जाता है कि परिंडे में पितरों का वास होता है। दीपक रखकर आपको उनका आशीर्वाद लेना है और मन ही मन में उनसे अपनी मनोकामना बोलनी है। चौथा दीपक आपको अपने रसोई घर में रखना है। ऐसा कहा जाता है कि रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। रसोई घर में दीपक रखने के बाद माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद पांचवा और अंतिम दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ रखना है। दीपक रखने के बाद अपने घर में अंदर की तरफ खड़े होकर प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, मेरे घर से समस्त नकारात्मक ऊर्जा दूर करो। हमें हर विपदा, हर संकट, हर कष्ट से दूर करो। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी से अपने समस्त दुख दूर करने के लिए प्रार्थना करें। यह बड़ा ही सटीक और लाभदायक उपाय है। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।